सो हाय गाइस, मेरा नाम है शक्ति और आज की इस वीडियो आपके साथ एक क्विक वॉक अराउंड शेयर करने वाला हूँ ऑफ दी ऑल न्यू किया सेल्टोस। ये सेल्टोस की एसटी वाली वेरिएंट है एंड वो इसकी जीटी वाली। जीटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। चेकआउट करते हैं इसके एसटी वेरिएंट की, तो आप देख सकते हैं फ्रंट का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। उसमें आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग कलर मिलती है, रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर है, बट इसमें आपको सिंगल कलर मिलता है। ये इसकी ग्रे और ब्लैक वाली कलर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके हेडलैम्प्स ऑल एलईडी यूनिट है। ये इसकी बड़ी सी डीआरएल, नीचे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड ये इसके एलईडी फॉग लैम्प्स। फ्रंट में देखें तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। 360 कैमरा इस ऑप्शन में, इस वेरिएंट में नहीं है। ये इसके सीट प्लेट्स इन सिल्वर कलर। साइड प्रोफाइल चेकआउट करें तो अलॉयज के डिज़ाइन में फ़र्क है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की अलॉय मिलती है 73 टायर्स है, वहाँ आपको स्पोर्टी अलॉयज मिलती है। ये इसके ओवर गेम्स अगेन बॉडी कलर। यहाँ आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है। ऊपर आपको एसटी लाइन में भी सनरूफ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी है। ये इसके रूफ रेल्स, यहाँ देखें तो आपको विंडो लाइन पे हर जगह क्रोम की फिनिशिंग मिलती है एंड इसके हैंडल बार्स भी क्रोम में फिनिश किए गए हैं। रियर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। ये इसका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर टाइप का है ये इन ब्लैक कलर। ये इसके टेल लैंप्स हाई माउंटेड, यहाँ पे अगेन आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। ये इसके इंडिकेटर्स और ये रिवर्स पार्किंग का लाइट है। यहाँ पे आपको सेल्टोस की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको किया की बैजिंग एंड दोनों टेल लैंप्स जो है वो बीच में इंटीग्रेट है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोम गार्निश। नीचे आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है एंड ये इसके सेंसर्स। नीचे आपको स्किड रूट मिलता है। राइट साइड देखें तो यहाँ अगेन देख सकते हैं इस गाड़ी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। चलते इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है एंड आप फर्स्ट लुक में देख लीजिए इसका इंटीरियर कितना प्लस लगता है, कितना अप मार्केट लगता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट डोर में देखें तो यहाँ पे आपको बोस का स्पीकर मिलता है। इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, सो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये ओवरबिंग के फंक्शनलिटीज और ये विंडोज के फंक्शंस। चलते हैं इसके अंदर तो आप देख सकते हैं ये किया के आपको की मिलती है। इस की में काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज है, आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, इससे इसकी बूट ओपन होगी एंड इस की से आप इसको हॉर्न को प्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी कभी पार्किंग में खड़ी है, आपको अपनी गाड़ी नहीं मिल रही, तो आप इस हॉर्न वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं एंड आपको हॉर्न सुनाई देगी। की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो इसके इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको यहाँ पे एक बड़ी सी 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम मिलती है विच कम्स विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एंड आपको इसमें किया की कनेक्टेड यूवो फीचर्स मिलती है विथ 37 कनेक्टेड फीचर्स। बात करें इंटीरियर क्वालिटी की, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ आप स्टीयरिंग देख लीजिए, स्टीयरिंग काफ़ी स्पोर्टी है। नीचे स्टीयरिंग फ्लैट है ताकि आपके ये पाँव में अड़के नहीं। यहाँ पर वो किया की बैजिंग मिलती है, ये हॉर्न के बटन्स, यहाँ पे कुछ मोड्स है टेलीफोनिक बटन्स टू कनेक्ट दिस सिस्टम एंड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिलता है। इसके इंस्ट्रूमेंट कैसे देखें तो यहाँ पे वो टेकोमीटर मिलता है, बीच में एक मल्टी इन्फॉर्मेट डिस्प्ले है तो ये काफ़ी सारी फंक्शन शो करती है। ऊपर आपको टेल टेल लैंप्स मिलते हैं एंड ये इसका स्पीडोमीटर। आपको यहाँ पे फ्यूल की मीटर भी मिलती है। यहाँ पे आपको वाइपर के फंक्शन मिलते हैं एंड ये हेडलाइट के फंक्शंस। राइट साइड देखें तो ये इसके एसी वेंट्स हैं, मैंने आपको डोर ऑलरेडी दिखा दिया है। ये इसका इंजन स्टार्टर बटन और ये हेडलैम्प के फंक्शन का हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो आपको 3 पेडल्स मिलते हैं, डेड पेडल भी है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेंटर कंसोल देखें तो ये इसका टचिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको हेजार्ड मिलता है विथ 2 एसी वेंट्स। यहाँ पे आपको और भी कई सारे बटन मिलते हैं विथ ऑटोमेटिक एसी फंक्शन। ये आप देख सकते हैं इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। आपको इस गाड़ी में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1.5 लीटर का पेट्रोल एंड दूसरा 1.5 लीटर का डीजल। पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 115 हॉर्स पावर विथ 144 न्यूटन मीटर्स, मेटेड टू अ 6 स्पीड मैनुअल और एन सीवीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। डीजल की बात करें तो आपको डीजल मिलता है एक 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 हॉर्स पावर विथ 250 न्यूटन मीटर्स, मेटेड टू अ 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। डैशबोर्ड देखें तो डैशबोर्ड की फील काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। ये ऊपर आपको आई आर वी एम्स मिलते हैं
विथ यूवो फीचर। मान लीजिए आप कनेक्टिविटी फीचर्स यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको अगर किसी को अलर्ट कॉल भेजना है तो आप वहाँ से भेज सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड, सॉफ्टेस्ट मटेरियल नहीं है, हार्डेस्ट मटेरियल है, बट फील काफ़ी अच्छी है। ये भी सॉफ्ट नहीं है बट ठीक ठाक क्वालिटी की है। आपको डुअल टोन मिलती है, ऊपर ब्लैक है, नीचे अगेन पीच कलर। ये इसके ग्लव बॉक्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, ये इसे बंद कर देता हूँ। ऊपर देखें तो आपको सनलाइट्स मिलते हैं, ना वैनिटी मिरर है ना वैनिटी लाइट है। यहाँ आपको मिरर मिलती है बट यहाँ भी कोई लाइट नहीं है, आपको लाइट्स यहाँ मिलते हैं। एंड ये इस गाड़ी का सनरूफ, इंडियंस को सनरूफ काफ़ी पसंद आता है। ये इसका सनरूफ, आप इसे भी वन टच में ओपन कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप, सनरूफ ओपन हो गया। इसे क्लोज करना तो आगे प्लेस कर लीजिए, ये क्लोज भी हो गया, इसे बंद कर देता हूँ। ये वार्निंग दे रहे हैं कि डोर खुला हुआ है एंड ये इंडिकेटर चल रहे हैं। सीट्स की बात करें, सीट से पहले ऊपर देख लीजिए, ये इसके लाइट्स। सीट्स की बात करें तो सीट की कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, फ्रंट सीट में आपको अच्छी अंदर सपोर्ट मिलती है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, एंड जो हेडरेस्ट है वो सारे एडजस्टेबल है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ और फंक्शंस मिलते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक, आपको यहाँ पे दो बोटल होल्डर्स मिलते हैं, एंड ये इसका आर्म रेस्ट, आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज, जी हाँ स्टोरेज भी है। ये इसका आर्म रेस्ट, आर्म रेस्ट की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, आप आराम से यहाँ पे हाथ रख सकते हैं। तो ओवरऑल आपने गाड़ी देख लिया, आगे से गाड़ी देखने में कितनी अच्छी है एंड इसकी सीटिंग कम्फर्ट भी अच्छी है। अब बात करें इस गाड़ी के रियर सीट की, कि वहाँ पे कितनी सीट है, कितनी कम्फर्ट है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आप इस गाड़ी के रियर सीट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको इसमें एयर फिल्टर भी मिलता है, ये इसके एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है विद प्लेस हियर टू कीप स्टफ। यहाँ इस गाड़ी में स्पेस अच्छी खासी है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा लेग रूम मिलता है, हेडरूम भी अच्छी खासी है, बस अंदर सपोर्ट थोड़ी सी कम है। इसके डोर क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, ये सिल्वर कलर की फिनिशिंग, ये इसके डोर विंडो के फंक्शंस, एंड आपको इस गाड़ी में सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं जो कि मैंने इस सेगमेंट की आज तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखी थी। रियर सीट की सीट कंफर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलता है विद बॉटल होल्डर्स, इसे क्लोज कर देता हूँ। आपको सीट सारी पीच कलर में मिलती है, सो इसकी एयरिंग फील काफ़ी अच्छी है, ऊपर आपको लाइट मिलते हैं, एंड पीछे आपको पार्सल ट्रे भी मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो आपको इसमें 385 का बूट स्पेस मिलता है, मैंने आपको टर्बो पेट्रोल वाले में ऑलरेडी बूट स्पेस दिखा दिया, सो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा। सो ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एंड अगर किया इस गाड़ी को अच्छी सी प्राइस करती है तो ये इंडियन मार्केट में काफ़ी हिट प्रोडक्ट होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ इस वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल रेसिपीज लेके रोज़ अपडेट करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंटिल देन सेफ ड्राइव, लॉन्ग लाइफ।